कैसे हैं आप? दिस इज मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपली। आज हम बात करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब ही होता है कि जिसमें काम चलता रहे या जो प्रोग्रेस में हो। चलिए बात करते हैं द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का कहने का मतलब है क्योंकि इसमें काम पूरा नहीं होता, काम चल रहा होता है। तो हम बात कर लेते हैं रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। तो रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं, रिकॉग्निशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम पहचान को पढ़ते हैं? इसलिए ताकि अगर हिंदी में सेंटेंस लिखी हुई है तो हम उसको पहचान पाए और उसमें वही रूल अप्लाई कर पाए जिस वो टेंस की है। तो हम जब ये इस पहचान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है हिंदी की जो सेंटेंस होती है उसके लास्ट में आपका रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे ये शब्द अगर आते हैं तो वो आपकी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की सेंटेंस होगी। तो आपके सामने है पहचान, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका अफर्मेटिव नेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज, आवर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अगर हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को समझें तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज आर वर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर दो होते हैं आपका, फर्स्ट टाइप जिसको हम एसनो टाइप का कहते हैं और सेकेंड टाइप जो डब्ल्यूएच वर्ड टाइप का होता है। तो फर्स्ट टाइप में आपका होगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वाज अ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव या जिसको हम डब्ल्यू एच टाइप कहते हैं, सेकेंड टाइप आपका हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो आई एन जी फॉर्म है, आई एन जी फॉर्म का मतलब आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब।
वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जबकि आपको कुछ जगह पर लिखा हुआ मिल सकता है एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है और जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं आईएनजी फॉर्म। ऐसा नहीं कि फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं उसके बाद में आईएनजी जोड़ते हैं, हम डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लिखते हैं। ये बात आपके स्ट्रक्चर की हो गई। फिर बात करते हैं हम कैसे वाज और वर का यूज करते हैं। तो एम बी नोटा बीन जिसे कहते हैं हम, एम बी का मतलब होता है नोटा बीन, जिसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट या महत्वपूर्ण चीज़ें। तो जिसमें आपका आई ही शी इट एस एन एस मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपका वाज आता है, और वी यू दे पी एन एस प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में आपका वर आता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ले लेते हैं कल वह रात के अंधेरे में कहीं जा रहा था। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तो कल आपका तो एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है, सब्जेक्ट जो है जाने का काम कर रहा है तो वह कर रहा है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया तो ही हो जाएगा, और ही के साथ में हमारा आता है वाज तो ही वाज। फिर आपका जो स्ट्रक्चर लिखा है उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब क्या है जाना, तो ही वाज गोइंग, और वो कहाँ जा रहा था समवेयर, ही वाज गोइंग समवेयर, और कब जा रहा था रात के अंधेरे में, इन द डार्क ऑफ नाइट यस्टरडे। क्या हो जाएगा ही वॉज गोइंग समवेयर इन द डार्क ऑफ नाइट यस्टरडे, कल वो रात के अंधेरे में कहीं जा रहा था। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका हो जाता है शिकारी हिरण का पीछा नहीं कर रहा था। तो आपका हो जाएगा शिकारी, चूंकि कॉमन नाउन है तो आपका हो जाएगा द हंटर, अब हंटर भी सिंगुलर नंबर में है तो आपका वाज जाएगा द हंटर वाज नॉट रनिंग आफ्टर द डियर, सॉरी रनिंग आफ्टर द डियर डी डबल ई आर या डी ई आर बी से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री, क्या वह विद्यार्थी अपने मित्रों का इंतजार कर रहा था। दूसरा लिख लेते हैं, तुम वहां क्यों खड़े हुए थे। तो है आपका क्या वह विद्यार्थी, तो सिंपल सी बात है जब टैग से सेंटेंस शुरू होती है तो उसको हम लिखते हैं
हेल्पिंग वर्ब उसकी इंग्लिश होती है, ना कि उसकी इंग्लिश हम बात देखते हैं। तो क्या वहाँ विद्यार्थी, तो वहाँ विद्यार्थी सब्जेक्ट है तो आपका क्या हो जाएगा, वाज। वैसे तो वहाँ की इंग्लिश आपकी ही होती है, लेकिन यहाँ पे वहाँ की इंग्लिश दैट होगी, क्योंकि ये दैट जो है वो विद्यार्थी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो वाज दैट स्टूडेंट वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, तुम वहां क्यों खड़े हुए थे, तो आपका ये डब्ल्यूएच वर्ड है तो वाई आपका आ जाएगा। अब कौन है सब्जेक्ट, तुम तो वाई, वर यू स्टैंडिंग देयर। अगर जो एग्जांपल नंबर फाइव ले लें और तो हम कहें कि तुम्हें कौन सता रहा था, तो आपका हो जाएगा हु वॉज टीजिंग यू। तुम्हें कौन सता रहा था, तो हु वॉज टीजिंग यू। अब हम बात करते हैं इसके यूज की, तो पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी विच वॉज in progress in the past time। और इसके दो का आपके जो दो एक्शंस हो रहे होते हैं एक साथ में, उसको भी दर्शाया जाता है इसके यूज के द्वारा। अब हम कुछ एडवर्ब की बात करते हैं जिनका प्रयोग इसमें किया जाता है, आपका वाइल, स्टिल, देन, एट दैट मोमेंट एटसेट्रा। इनका प्रयोग भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि जिस समय वह मुझे मिला, मैं अपनी कहानी लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग माई स्टोरी व्हेन ही मेट मी। या आई वॉज राइटिंग माई स्टोरी व्हेन ही मेट मी, जब वो मुझे मिला तो मैं क्या कर रहा था, अपनी कहानी लिख रहा था। आशा करता हूँ आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस समझ में आया है, और कैसे होता है इसका ट्रांसलेशन ये भी आप जान पाए हैं। और अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं आपकी समस्या का पूर्ण समाधान देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।